देखो भाई मुझे साहब भी मेरे साथ आ गए हैं और बिलाल मदीने में कुछ फरमाएंगे जफर भाई के लिए। जफर भाई के लिए क्या फरमाना है, जफर भाई हमारे दिल जगह में तो बहरहाल ये कि हमने कोशिश करी भाई मुतबर्रिक जगह है, यहाँ की मुलाकात बड़ी मुतबर्रिक होती है तो हमने सफदर भाई को ढूंढ लिया कहीं ना कहीं। मदीने में देखो ये मदीना खोने वाली जगह नहीं है, मदीना मिलने वाली जगह है, पाने वाली जगह है। हाँ मिल गए भाई, सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? हाँ भाई ज़ुल्फ़िकार भाई, ये देखो गाड़ी निकलेगी सवारी मक्का की तरफ है इंशाल्लाह। मक्का मौज़मा पहुँचेंगे फिर वहाँ से ज़ुल्फ़िकार भाई से मिलेंगे दोबारा अगर मिले तो। अच्छा जहाँ जहाँ भी जिस मकाम पे गए, अम्मी की तबीयत खराब है, अम्मी अच्छा, अम्मी आपके लिए दुआ भी कर रही है। नहीं नहीं बिल्कुल दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्लियत फरमाए। और हमारे मुश्ताक भाई हैं जफर भाई की तरह ही, उनको कैंसर है, उनका अल्लाह शिफाए कुल्लियत फरमाए, तमाम बीमारियों को उनकी दूर फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और मजीद अभी हरम में भी दुआ कर लेंगे। वालिद मोहतरम की जो है ना, वो तो खैर वालिद मोहतरम को तो उनका उनकी दुआओं की हमें जरूरत है, ईमानदारी की बात है। मुंतकिल हो जाए हकीम में मुंतकिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने शानदार सोमो सलात के पाबंद बाशारा बच्चे पीछे छोड़ के गए हैं वो, तो उनकी तरक्की नहीं होगी तो क्या हमारी तरक्की होगी? वालिद मोहतरम के लिए कैसे जबरदस्त परवरदिगार नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला ऐसे नेक बंदों में तो फैल में हम लोगों को भी नेक बना दे। उनके बच्चे भी 11वीं के महीने में यहाँ खड़े हैं ना, पापा थे 11वीं वाले, बहुत पाक वाले। देखिए 11वीं का महीना हम यहाँ मौजूद हैं और वालिद साहब की जो मोहब्बत थी गौस पाक से, अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला हम सबको गौस पाक की मोहब्बत अता फरमाए। गौस पाक की मोहब्बत होगी तो आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऑटोमेटिक मिलेगी। जब आपके पास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी तो फिर रब की सबकी रजा, रब की रजा तो फिर रब की रजा होगी, गारंटी हो गई। चलो ठीक है, ओके खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप सब भी जो देख रहे हैं हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए कि हमारा सफर भी साथ खैरियत के हो, पीछे भी घर पे खैरियत रहे और हम भी खैरियत से घर पहुंच जाएं और दीन की खिदमत रिन्यू कर लें इंशाल्लाह। ओके खुदा हाफिज़, ओके ओके। बहुत शुक्रिया आप लोग बैठे, नहीं 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 आप ये हम लोग होटल के नीचे ही थे हम लोग और यहाँ से मतलब जो है ये जा रही है गाड़ी डायरेक्ट मक्का और ये जो है ये दीवार नजर आ रही है आपको, इसके पीछे हरम है। ये हमारे होटल का गेट है मेन, ये हमारे होटल का गेट है, ये होटल। यहाँ से हम मदीने की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हम मदीने जा रहे हैं, हरम में दाखिल हो जाएंगे। गेट नंबर 15 है हमारे होटल के साथ में और माशाल्लाह दिन रात यहाँ रहमत बरसती है। कल इंशाल्लाह ज़ुल्फ़िकार भाई भी आ रहे हैं। अम्मा ये मस्जिद नबवी है और यहीं से मतलब जो है होटल से उतरे 2 मिनट की वॉकिंग में आप मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ 2:30 बज रहे हैं रात के और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ी की हाजिरी भी होगी, आप तमाम अहबाब का सलाम भी अर्ज करेंगे। ये देखिए गेट नंबर 16 है और ज़ुल्फ़िकार भाई भी आ रहे हैं इंशाल्लाह,
उन्होंने भी होटल बुक कराया हुआ। ये देखिए सुभान अल्लाह सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम सुभान अल्लाह। ये मदीने की बिल्ली, मदीने की बिल्लियां, मदीने की मट्टी, मदीने का पानी, मदीने का पानी तो आबे शिफा। ये पानी लगा हुआ होता पैदा जो दौरे नबी में, तो सुनता अजाने।